Hey everyone, I am Nivesh Agrahari, MBBS first year student at Autonomous State Medical College, Siddharthnagar. So, this is our campus tour video, which we will cover the following topics, such as academic block, library, multi-purpose hall and auditorium, यहाँ की स्पोर्ट फैसिलिटी जो कि बहुत ही यूनिक फीचर हमारे कॉलेज का है स्विमिंग पूल के बारे में, यहाँ की फैकल्टीज कैसी हैं, यहाँ पे रैगिंग का क्या सीन है, एनएमसी गाइडलाइंस क्या है रैगिंग के लिए, यहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को द्वारा दी जाती है, यहाँ का हॉस्पिटल कितना दूर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉलेज के सिलेक्शन के लिए, फिर एट लास्ट बात करेंगे यहाँ का लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी कैसी है हमारे कॉलेज की। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारे कैंपस टूर की वीडियो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सक्षम कुमार चौरसिया है एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ एएसएमसी सिद्धार्थनगर। एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम इरम फातिमा खान है, आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एएसएमसी सिद्धार्थनगर। सो ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ पे हम लोगों के लेक्चर थिएटर्स प्रेजेंट है एंड यहीं पे हम लोगों की सारी क्लासेस चलती है एंड साथ में सारे डिपार्टमेंट्स की लैब्स एंड डाइसेक्शन हॉल यहीं पे प्रेजेंट है। यहाँ पर ऑफिस, लाइब्रेरी एंड मल्टीपर्पज हॉल भी है एंड वाईफाई की फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है। यहाँ पर आपको JR, SRs एंड प्रोफेसर्स मिलेंगे जिनसे आप अपनी एकेडमिक प्रॉब्लम डिस्कस कर सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ तान्या अग्रवाल, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट माधव शास्त्री पाटिल मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर। आज हम आपको अपनी लाइब्रेरी की कुछ फैसिलिटीज के बारे में बताना चाहेंगे कि हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहेंगे हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी हॉल है जिसमें कि फुल आपको फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर की बुक्स मिलेंगी, इंस्टॉल PC है, वाईफाई की फैसिलिटीज अवेलेबल है और वो फुल वेंटिलेटेड और एयर कंडीशनर है। इसके साथ साथ ही रीडिंग्स हॉल्स है जिसमें आप बैठ के पढ़ सकते हैं फुल कंसंट्रेशन विदाउट एनी नॉइज। और हमारे यहाँ JR और SR के लिए सेपरेटेड लाइब्रेरीज है, उनके लिए अलग रीडिंग हॉल्स हैं। दैट्स इट। सम ऐसे तो हम नॉर्मल डेज में हॉस्टल में पढ़ लेते हैं बट ड्यूरिंग एग्जाम्स या कंसंट्रेशन के लिए हम लाइब्रेरी में आते हैं जो कि बिल्कुल ही हमारे अकॉर्डिंग है। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ नवीन सिंह बिसेन एंड मायसेल्फ आंशी परिहार, वी आर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर। वी आर करंटली स्टैंडिंग इन आवर MTS हॉल एंड ये हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम हॉल है जहाँ पे हमारे कॉलेज के सारे फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे हमारी पब्लिक रिजर्वेशन हुई थी, वाइट पूजा भी हुई थी और हमारे फ्रेशर्स भी यहीं हुआ था। यहाँ पे मोर देन 400 सीटिंग कैपेसिटी है एंड साइड में फुली वेंटिलेटेड रिहर्सल रूम भी है जहाँ ड्यूरिंग फंक्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड साइड में दो चेंजिंग रूम्स भी हैं जो कि फुली एयर कंडीशनर है और इसमें अटैच वॉशरूम। हेलो एवरीवन, दिस इज सक्षम कुमार चौरसिया एंड अभी हम लोग करेंटली प्रेजेंट है अपने हॉस्पिटल कैंपस में जो कि हमारे मेन कैंपस से सिर्फ 100 मीटर्स की डिस्टेंस पर अवेलेबल है एंड साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जो कि सेकेंड ईयर से लेके इंटर्नशिप तक लास्ट करती है। एंड यहाँ पे 500 प्लस बेड्स की कैपेसिटी है, 350 बेड्स ओपन होने वाले हैं एंड यहाँ पे पेशेंट इनफ्लो 1500 प्लस का है। साथ में यहाँ पे वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम्स है जो कि हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हेलो एवरीवन, आई एम गोविंद शर्मा, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर। तो ये हमारी न्यू OPD बिल्डिंग है जो कि बनके एकदम कंप्लीट हो चुकी है, साल के लास्ट तक ये चालू हो जाएगी। इसकी डिस्टेंस हमारे मेडिकल कॉलेज से 100 मीटर्स है और ये बिल्डिंग पूरी तरह से वेंटिलेटेड है। इसमें जो नए बेड ऐड हुए हैं वो 350 बेड हैं। हमारे पास पहले से 500 बेड की कैपेसिटी थी जिससे कि हमारे हॉस्पिटल की टोटल कैपेसिटी 850 बेड की हो जाएगी। इसमें 5 OT, 2 LT,
और कुछ डेमो रूम है जो कि मेडिकल स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं हेल्प। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ आलोक यादव। तो हम यहाँ बैठे हैं अपने कॉलेज के एडजेसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी ग्राउंड में। यहाँ पे शाम को हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, जेआर, एसआर और शहर के लोकल लोग भी आते हैं यहाँ पर टहलने के लिए, खेलने के लिए। यहाँ बहुत तरह के स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, जैसे क्रिकेट का पिच है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल भी है, फुटबॉल ग्राउंड है। यहीं पर योगा डे के दिन 21 जून को जो योगा दिवस होता है, उस दिन योगा भी कंडक्ट किया गया था। हाय, दिस इज मयंक गुप्ता। और जैसा कि स्पोर्ट्स की बातें चल रही हैं, तो डॉक्टर्स के सबसे पसंदीदा गेम बैडमिंटन के बारे में बताते हैं कि हमारे कॉलेज के बगल एक बैडमिंटन कोर्ट है, जिसमें हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स, जेआरस एंड ट्यूटर्स आते हैं। और इसे दिखाने से पहले हम इसके बारे में कुछ बताते हैं। ये प्रॉपर पूरा वुडन कोर्ट है, पूरे दिन भर ये चलता है और यहाँ पे 3 कोर्ट्स हैं। और आइए आपको दिखाते हैं इसका लुक। हेलो गाइस, मेरा नाम मानस गुप्ता है और ये हमारे कॉलेज के एडजेसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी का स्विमिंग पूल है। यहाँ 2 स्विमिंग पूल हैं, एक है प्रोफेशनल ओलंपिक साइज और दूसरा वहाँ शैलो डेप्थ ट्रेनिंग साइज। यहाँ पे 2 कोचेस अवेलेबल हैं जो आपको ट्रेन करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हुई थी, जिसको हमने अपने हॉस्टल के कम्फर्ट से देखा था। और यहाँ पे बहुत सारे बैचमेट्स आते हैं और मेरे सीनियर्स भी आते हैं और कुछ लोकल्स भी आते हैं और फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ आते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। तो आप भी आके एनरोल करा सकते हैं और ये कॉलेज की एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का बहुत अच्छा ये ज़रिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी सिंपलीफाइड। अगर बात करें यहाँ की फैकल्टीज की, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों कंप्लीट हैं और रेप्यूटेटेड कॉलेजेस से आई हुई हैं, बहुत हार्ड वर्किंग और सपोर्टिव हैं और स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स को क्लियर करने की बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल टॉपिक्स पे हमारे सेमिनार कंडक्ट कराते हैं। ECE जिसको अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर कहते हैं, वो भी कराते हैं। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पूरी तरह से हेल्प करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निवेशक रहरी एंड दिस साइड आस्था से। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे रैगिंग के बारे में। तो ऑब्वियसली रैगिंग हमारे कॉलेज में बैन है। इधर साथ ही साथ जब आप यहाँ पे एडमिशन कराने आओगे, तो आपको यहाँ पे एंटी रैगिंग फॉर्म्स मतलब फिलअप कराए जाते हैं, जिसे आप ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, जितने भी जूनियर्स हैं, उन्हें हमें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करना होता है। टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को कॉलेज कैंपस के बाहर मिले या अंदर मिले, उन्हें टाइमली विश करना होता है। अगर आपको कैंपस में ऐसे कोई सीनियर मिल रहे हैं या फिर जीआर मिल रहे हैं, वो आपको ऐसे बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, क्योंकि आप उसमें फ्रेश ही रहोगे, आप कैंपस में नए रहोगे। तो अगर आप इस चीज़ को भी आप रैगिंग ले रहे हो, तो ये आपकी ही गलती है। ये कहीं ना कहीं वो आप आगे चल के आपका हेजिटेशन दूर करेगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका ये हेल्प करेगा। हाँ यार, हमारे सीनियर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है। हाँ, समटाइम्स वो आपको स्ट्रिक्ट लग सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको हर पॉइंट पे हेल्प ही करते हैं और वो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि हम लोग आगे चल के कंटिन्यू करें और हम लोग भी आपके लिए एक अच्छे सीनियर बनने की पूरी कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम पूजा कुमारी। तो आज हम लोग आपको अपने कॉलेज की सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं। हमारे यहाँ पे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स एज एन गार्ड अपॉइंटेड है, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे और डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में वर्क करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि स्टार्टिंग से हमारा जो कैंपस गेट है, सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलेंगे, देन एकेडमिक ब्लॉक, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल एंड ऑल्सो इन दी डिफरेंट डिफरेंट रेजिडेंशियल एरियाज। इसके अलावा हमारे जो गर्ल्स की अगर बात करें, तो गर्ल्स सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पे हमारे जो मतलब गार्ड लोग हैं, वो भी एज एन रिटायर्ड ऑफिसर्स ही हैं। और प्लस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आपको कैमराज वगैरह मिलेंगे फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। और इसी के साथ अगर बात करें अपनी गर्ल्स की सिक्योरिटी के, तो यहाँ पे हमारे हॉस्टल में
ही मेक दैट अपॉइंटमेंट है। इसके साथ साथ हमारे जो कैंपस है, कैंपस के आसपास आपको डी एम आवाज़, सी एम ओ आवाज़ प्लस अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी दिखेंगे, जो कि हमारे जो कैंपस का एरिया है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड सेफ सिक्योर कर। हेलो गाइस, मायसेल्फ रेहान सिद्दीकी और मैं हूँ आकाश यादव। आज हम आपको बताएंगे अपने कॉलेज के लोकेशन, मार्केट एरिया और उसकी कनेक्टिविटी के बारे में। हमारा कॉलेज सिद्धार्थनगर के मेन सिटी में लोकेटेड है। सिद्धार्थनगर की कनेक्टिविटी बाकी शहरों से बहुत अच्छी है, जैसे लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, अलीगढ़। और हमारे कॉलेज से जो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की दूरी है वो अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है। और हमारे कॉलेज जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं ना, वो वॉकिंग डिस्टेंस में मिलती है। इसके अलावा आपको जिम फैसिलिटीज, मूवी थिएटर और शोरूम भी मिल जाएंगे। सबसे जरूरी बात जो कि हॉस्पिटल बिल्डिंग जो यहाँ से अप्रॉक्स 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। सेकेंड ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान इसका आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। अगर आप लोग टूर प्लान करना चाहते हैं तो आपके नेपाल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉलेज से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है। और साथ ही साथ घूमने फिरने के लिए गोरखपुर आपके लिए अच्छा चॉइस हो सकता है। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज पुजारी। Today, as a part of this campus tour, now we see the fee structure of our college. जैसे हम जानते हैं कि यूपी के सभी GMCs और ASMCs की फीस nearly same होती है। In our college, our fee structure is divided into 3 parts: academic part, hostel part, and miss. Academic fees of our college is 37,000 for undeserved category and a bit less for reserved categories. Hostel fees हमारे college की 4,800 rupees है for per annum, जो कि double seater rooms के लिए। और जो हमारी mess fees है वो 2,700 rupees जो कि पर मंथ होती है, जिसमें हमें दोनों तरह का नॉन वेज और वेज होता है। जैसे कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, तो मैं बताना चाहूँगी कि यूपी के सभी ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप की सुविधाएं दी जाती हैं।